नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार महामना एजुकेशन हब के स्टूडियो में आपका एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो मैं लेकर आया हूँ फाइनल सिक्स को BHU सेंट्रल हिंदी स्कूल बॉयज एज वेल एज टू गर्ल्स क्लास क्लियरेंस के लिए मैथ एंड बायोलॉजी का फाइनल सिक्स, ठीक है। तो दोस्तों, 26 अप्रैल को मैथमेटिक्स का और उसके बाद बायोलॉजी का एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रही है 2018 का, ठीक है। तो इसके लिए मैंने वीडियोज़ तो पहले बनाए हुए हैं, सिलेबस सब कुछ बता दिया है, कई क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किए हैं और वीडियो में और भी चीज़ें बताया है, ठीक है, और सुझाव दिए हैं। लेकिन अब एग्ज़ाम के 2 दिन सिर्फ बाकी हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप फॉलो करें और एग्ज़ाम में जाकर सिलेबस ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन और बाकी के 75 क्वेश्चन ऑल पैटर्न इज सेम, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि साथ ही साथ दे दूँ आप दोनों का लेक्चर फाइनल टेस्ट, ठीक है। तो देखिए, आपको मैं ये बता देता हूँ कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन हैं, टोटल 100 क्वेश्चन 2 घंटे हैं, ठीक है। सीटें बहुत कम हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है सीटें एज़ कम्पेयर टू एप्लीकेशन फॉर्म, सीटें बहुत कम हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया कितनी सीटें हैं, तो उसको ध्यान में सीटें को चलिए साइड में रखिए, लेकिन आपका टारगेट बस होना चाहिए कि 80 प्लस आपका टारगेट, सही क्वेश्चंस करने के टारगेट क्या होने चाहिए 80 प्लस, ठीक है। सीटों का दिमाग से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 80 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए सीधा, ठीक है। देखिए, 100 क्वेश्चंस हैं, टोटल समय 2 घंटे 120 मिनट, तो समय तो कम नहीं है, ठीक है। मतलब बायोलॉजी वालों के लिए तो बिल्कुल कम नहीं है, मैथ वालों के लिए थोड़ा बहुत कम हो सकता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैथमेटिक्स वाले से। देखिए, 70% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मोर देन एवरेज स्टूडेंट कर लेंगे, ठीक है। अब कहाँ पे कट ऑफ कहाँ पर फंसती है, और जो जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वो होंगे 70 प्लस वाले, ठीक है। 30 क्वेश्चन में से जो 30 क्वेश्चन बचेंगे, उसमें से 30 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन अगर जो भी सही कर देगा, उसका मान लो सिलेक्शन हो गया 100%, ठीक है। वो जो 10-12 टिपिकल क्वेश्चंस हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 12 से 15 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो शायद इस लेवल का कोई भी कर ना पाए। मतलब 12-15 क्वेश्चन तो सबके गलत होंगे, ठीक है, कुछ एक को छोड़ के, ठीक है। कुछ टॉपर्स होंगे, वो सुपर इंटेलिजेंट वो कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको अब कैसे करना है आपने, देखिए, आपने अभी तक जो प्रिपरेशन की है बहुत अच्छी बात है, क्लास 10 तक की NCERT सब कुछ रट डाला है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन थोड़े बहुत देखिए केमिस्ट्री पोर्शन में, फिजिक्स अब पोर्शन में थोड़े बहुत क्लास 11 से भी कुछ सवाल मैंने देखे हैं, आपको बताया भी था, कुछ पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो उसमें से उस चीज़ों को रिवाइज़ कर लीजिएगा, उससे अच्छा होगा कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर कहीं उठा के आपने देख लेने हैं, ठीक है, ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई भी चांस ना रह जाए, कोई भी चांस ना रह जाए, ठीक है। अब मैं आता हूँ सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी हो, मैथमेटिक्स से। देखिए, मैथमेटिक्स क्लास 10 तक आपने जो पढ़ी हुई होगी वो अभी तक आप सब्जेक्टिव मेथड से लगाते होंगे। सब्जेक्टिव मेथड से मतलब कि कोई क्वेश्चन दिया, उसको सॉल्व किया आधा पेज में, एक पेज में, ठीक है। लेकिन यहाँ कंपटीशन है, यहाँ समय है, टाइम इज़ रनिंग वेरी फास्ट, सो यू हैव टू डू दैट क्वेश्चन, यू हैव टू सोल्व दैट क्वेश्चन विद इट विद इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपने जितने क्वेश्चन देखें 1 से 100 तक में जितने पहली बार में फर्स्ट चांस में फर्स्ट ग्लांस व्हेन यू लुक एट क्वेश्चन, राइट। तो 1 से 100 तक हमने जब पेज टर्न करना शुरू किया क्वेश्चन तक, तो हमने देखा कि ठीक है, हमें 60 क्वेश्चन चाहे 65 क्वेश्चन हमें बिल्कुल आते हैं श्योर शॉट, ठीक है, श्योर शॉट। मतलब कि मैथ्स भी आता है, फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है, जीके भी आता है। तो 65 क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है, उनको टिक लगा लिया, ऐसा इस तरीके का टिक लगा लिया। इसके बाद हमने आंसर शीट उठाया, उसमें ऐसा बबलिंग का दिया होगा इस तरीके से, 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस दिए होंगे ना, इसमें जो भी क्वेश्चन का आंसर है उसको अच्छे से बबलिंग कर लीजिए आप, पहले बहुत अच्छे से बबलिंग कीजिएगा। उसके लिए मैं एक और सजेशन देता हूँ, आप बटरफ्लो नाम का एक पेन आता है मार्केट में 10 रुपये का, वो बहुत अच्छा ये बबलिंग करता है और बहुत स्मूथ चलता है, ठीक है। तो आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेगा वो, उसको खरीदने के, तो आप तो उसी से कीजिएगा, वो बहुत अच्छे तरीके से जो सर्कल होता है उसके बाहर मत जाने दीजिएगा, अंदर भी पूरा ही सर्कल कीजिएगा डार्क पूरे पोर्शन में, ठीक है, जितना उसका एरिया होगा पूरे सर्कम्फ्रेंस में, ठीक है, ठीक है। तो ये तो होगी नॉर्मल सी बात, 65 क्वेश्चन। अब बचे आपके 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन तो फिर दोबारा आपने उठाना है पेपर को शुरू से,
और देखना है हाँ कौन कौन से क्वेश्चन टिपिकल है, ये मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, उसको जो डालिए दिमाग पे, सोचिए कहीं क्वेश्चन को मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, हाँ ये भी हो सकता है, हो भी सकता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश और जीके का भी बहुत ध्यान देना है। देखिए हिंदी इंग्लिश जीके ये 10-10 और ये मतलब 25 क्वेश्चंस हैं ये आपके। अगर 25 क्वेश्चंस में मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि इन 25 में से आप कम से कम 20 सही कर दें, ठीक है। 20 सही कर देंगे तो आपका ऑलमोस्ट सिलेक्शन इज डन, क्योंकि मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन अगर आपने 10th क्लास तक बहुत अच्छी पढ़ाई की हुई है और एनसीईआरटी बुक को बहुत अच्छे से रगड़ा हुआ है आपने, मतलब यू हैव बीन थ्रो, ठीक है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम मैं नहीं समझता कि सिलेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसने आपने करना क्या है, ये दोनों के लिए में है, ठीक है, बायो ग्रुप के लिए भी और मैथ्स ग्रुप के लिए भी, ये इंग्लिश हिंदी और जीके, इंग्लिश हिंदी जीके 25 क्वेश्चंस में से आपका टारगेट होना चाहिए कि 20 क्वेश्चन मैं सही कर बैठूं, ठीक है। इसके लिए मैं सजेशन ये भी देता हूं कि हिंदी चलिए तो हो जाएगी आपकी हेल्प, लेकिन इंग्लिश में आप थोड़े बहुत फंस कहाँ सकते हैं, गलती होने के चांसेस कहाँ पे हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में हो सकता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, और कहीं फाइंडिंग एरर्स आ गया या प्रीपोजिशन से भरने वाला, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि एडियम्स एंड फ्रेजेस के कुछ क्वेश्चंस होंगे एक दो, उसमें फंस सकते हैं। तो उसमें देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए एडियम्स एंड फ्रेजेस इज़ नॉट समथिंग ग्रेट, वो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, उसको कोशिश कीजिएगा कि यार ये क्या हो सकता है, ठीक है। और उसको आपने सुने होंगे, बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है वो, बहुत मुश्किल नहीं होता है। जैसे स्नैक इन द ग्रास, तो स्नैक इन द ग्रास क्या है, एक घास में सांप का छुपा होना क्या हो सकता है, हिडन एनिमी होता है उसका आंसर, हिडन एनिमी, ठीक है। तो इस तरह से कॉमन सेंस आपने अप्लाई कर रहे हैं, उसको कर देना है, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखिए, दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में देखिए चार ऑप्शंस तो होते हैं, आपको पता है हाँ, 1, 2, 3, 4 चार ऑप्शंस दिए होंगे और कोई वर्ड होगा, ठीक है, जिसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए वो शब्द आपको नहीं आता है, एक तो बात मान के चलिए कि आपने 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, मैं बता दे रहा हूँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो दोनों ग्रुप वालों को 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, लेकिन उसको कैसे करना है वो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपने मैक्सिमम सही करने हैं, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन होंगे उसमें ऑप्शंस होंगे, तो ऑप्शंस को जाओ देखो, फिर आपने तीन ऐसे वर्ड होंगे जो सिमिलर मीनिंग के होंगे, चाहे सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो सिमिलर मीनिंग थोड़े से दे रहे होंगे, ठीक है, और एक वर्ड होगा जिसका मीनिंग डिफरेंट होगा, तो उसमें आंसर वही होगा जिसका मीनिंग डिफरेंट होगा, तो ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स का हो गया, ठीक है। और बाकी जीके को थोड़ा सा ध्यान से करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा, और आपने देखिए सब कुछ पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक जितना क्लास 10 तक पढ़ा हुआ है उसमें से आएगा, एक दो क्वेश्चन इसके आएंगे करंट अफेयर्स के, तो वो भी आप पढ़ते रहते हैं, ठीक है, ये सुझाव दोनों के लिए है। तो उसमें आप क्या थोड़ा दिमाग पे जोर डालिएगा, यही होगा यही होगा यही होगा नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा एलिमिनेशन राउंड खेलिएगा, मतलब मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं, तो ये आपको दिमाग लगाइएगा कि हाँ यार ये चोरी चोरा एक्ट कब हुआ था, तो आपको याद नहीं आएगा, पार्लियामेंट रिफॉर्म कब हुआ था, तो हाँ 1918 तो हो नहीं सकता, 1920 नहीं हो सकता, 1930 नहीं हो सकता, ये हो सकता है 1909 में, लिंक करने की कोशिश कीजिएगा उससे कहीं आसपास के इवेंट, तो आपको याद आएगा, समझ रहे हैं। उसी तरह ज्योग्राफी में थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिएगा, मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट्स का फंक्शन पूछ लिया आपसे, तो थोड़ा सा उससे मीनिंग हाइग्रोमीटर मान लिया जाए, तो हाइग्रो मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग वाटर, ठीक है, तो वाटर की आर्द्रता मापता है वो, ठीक है, तो इस तरह की बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझिएगा उस चीज़ को, और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, क्वेश्चन होते वही है जो आप जानते हैं, लेकिन टिपिकल क्वेश्चंस थोड़े बहुत ही होते हैं जो आपने क्या करना है कि वहाँ ऑप्शन के हिसाब से आपने करने हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में आता हूँ, मैथमेटिक्स में आपने क्या करने हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से टिपिकल होंगे, 4 से 5 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के ऐसे होंगे जो आपके टिपिकल होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहे हैं आपने, उसमें आपने करने हैं कि मान लीजिए ये 4 ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन, ठीक है, कोई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, बाई क्वाड्रेटिक से भी ऊपर, x^6 + x^5 + x^4 + ……900, ठीक है, और इधर दे दिया 2, 3, 5, 6, ठीक है। तो इसको क्या करना है, जितने भी ऑप्शंस हैं तो इन ऑप्शंस में से आपने इसमें पुट करके वैल्यू देखनी है, क्योंकि इसको सॉल्व करने लग जाएंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, एंड मैं नहीं समझता कि आप इतने जल्दी कर पाओगे इसको, समय 1 मिनट ही है सिर्फ करने के लिए।
तो इसमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू 2, 3, 5, 6 को बारी बारी से पुट करके थोड़ा एक अंदाजा भी होता है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, ठीक है, अगर मैथमेटिक्स ठीक ठाक है आपकी तो पुट करके वो वैल्यू निकल ली है। अगर LHS इक्वल्स टू RHS बन जाए तो मतलब मेरा आंसर सही हो गया इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। मान लिया जाए उस तरह का दो इक्वेशन दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 5, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो भी एक्स की वैल्यू दी हुई है, सपोज एक्स इक्वल्स टू 1 वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये एक ऑप्शन है मान लिया जाए, तो इसकी वैल्यू दोनों की हमने पुट की, अगर वो दोनों इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स दैट इज द राइट आंसर। इसमें आपने समय नहीं लगाना है, ठीक है, कि हमने पहले क्या किया कि ठीक है एक्स माइनस वाई स्क्वायर टू 5 है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगाया इक्वल्स टू 25, तो फिर उसका वैल्यू पुट किया। ऐसे करने में समय लगेगा आपका, तो फटाफट देखना है, पुट करना है, इफ इट इज सेटिस्फाइंग दैट नीड तो कर दो सही, वो सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। देखिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल पे बहुत ध्यान देना है, जो भी न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली क्या आपने देखने हैं कि यूनिट्स क्या दी हुई है, ठीक है, मिली एम्पियर दिया हुआ है या एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है, उधर वोल्ट दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, वोल्ट मीटर दिया हुआ है, तो उसको देख के और सबको इक्वल यूनिट में, मतलब सेम यूनिट में कन्वर्ट करके ही करना है आपने, ठीक है। सेम गोज फॉर मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, डेकामीटर है, वन मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर आपको पता होना चाहिए, और इससे क्वेश्चन आ जाएगा क्या बोलते हैं कि कैपेसिटी वाला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, देख लीजिए मैम बहुत ज़रूरी है ये, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, ये ध्यान रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यूनिट वाले में आपने बहुत ध्यान से करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। केमिस्ट्री के देखिए क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं होंगे, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आपके होंगे जो क्लास 11 से पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसको पढ़ ले सकते हैं, अगर आपके पास गूगल है, नेट तो है ही, तो उसको थोड़ा सा समझ के जा सकते हैं आप एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन टिपिकल दे देते हैं ये, क्योंकि कॉम्पिटिशन है यार, उनका दायरा थोड़ा अपने से लांग देते हैं, ऊपर चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल और मैथमेटिक्स के तो मैंने बता ही दिए, ये तो ये हो गया मैथमेटिक्स पर। बायोलॉजी में देखिए आप, बायोलॉजी में कुछ भी 11th क्लास से नहीं पूछा जाएगा, जितना क्लास 10th तक है उतना ही पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। लेकिन इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है, इनहेरिटेंस, ठीक है, रिप्रोडक्शन, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, ये सब चीज़ें जो टर्म्स हैं, जो इनके एग्जांपल्स हैं, सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये सब आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये पढ़ लेंगे आपको, तो इसमें बायोलॉजी में सेल थ्योरी, ठीक है, फंक्शंस, स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी का ऑर्गन सिस्टम जितने भी हैं हमारे, ठीक है, ऊपर से नीचे तक, राइट फ्रॉम आवर मीन्स टेकिंग द फूड टू एक्सक्रीशन, ठीक है, कंप्लीट इंजेशन, इजेशन, डाइजेशन, जो भी हमारे जितने सारे प्रोसेसेस हैं जो बायोलॉजी में आते हैं उन सबको, और एक एक ऑर्गन का फंक्शन हमें याद होना चाहिए, बिल्कुल सेल ऑर्गेनेल्स का फंक्शन हमें याद होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं। गोल्जी अपरेटस क्या होता है, RER क्या होता है, CR क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होता है, उनका साइज बड़ा क्यों होता है, ठीक है, दिस ऑल द थिंग्स शुड बी मार्क्ड अप एंड एवरीथिंग शुड बी ऑन योर टिप्स, ठीक है। तो बायोलॉजी में बिल्कुल आपने अच्छा करना है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री की तो बातें मैंने बता ही दी है, ठीक है। और लास्ट बात ये है, इन सब के करने के बाद आपने क्वेश्चन पेपर 10 मिनट देने से पहले आपने पूरे के पूरे गोले लगाने, एक भी क्वेश्चन छोड़, मान लीजिए कोई क्वेश्चन, ठीक है, 65 एक बार में कर लिए, उसके बाद हमने 15 और कर लिए, फिर भी अभी और 20 बच गए, ठीक है, तो 20 में से भी जो नियरेस्ट पॉसिबल आंसर आपको लगता है तो उसमें गोला जरूर लगा लीजिएगा। और लास्ट 10 मिनट से पहले आपने एक बार क्वेश्चन पेपर आंसर शीट अपना चेक कर लेना है कि हाँ भाई कोई हमने गलती तो नहीं कर दी है, समझ रहे हैं आप, गलती कर दी है तो एक बार बबल करने के बाद तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन सभी के सभी 100 के 100 क्वेश्चन आपके उसमें इन होने चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो ऐसे भी मार्क्स लूज हो गया, उसको कर दिया तो ठीक है गलत है तब तो कोई कुछ गया नहीं आपका, लेकिन सही हो गया तो मार्क्स तो बढ़ गए आपके, एक मार्क्स मिल जाएगा और भी, तो इसलिए ये फ़ायदा है आपका, ठीक है। तो ये हो गई बात, हिंदी को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, संधि समास और स्पेशली कौन सा पोर्शन, स्पेशली अलंकार के, अलंकार
और संधि समास को देख लीजिएगा, कौन कौन से अलंकार का क्या क्या तरीका है पहचानने का, ठीक है। वैसे मैं आंसर शीट उसी दिन जिस दिन एग्ज़ाम आप ख़त्म करेंगे उसी दिन शाम को 6 से 7 बजे तक आपको इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जो आप की मिला लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से, एक्सपेक्टेड कटअप भी बता दूंगा, ठीक है। और बाकी कोई परेशानी हो तो मुझे आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं बाकी चीज़ें दूर करूंगा, ठीक है। तो अच्छे से दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से बैठ के पेपर जितना आता है बहुत अच्छे से कीजिएगा। अगर आपने पढ़ाई की है, एनसीईआरटी में बार बार रिवाइंड कर रहा हूँ, अभी भी 2 दिन 3 दिन समय है ना, इसमें आपका पूरा एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज जाने से पहले मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार जस्ट हैव अ ग्लांस ऑफ योर होल सिलेबस, ठीक है, जितने भी हैं क्लास 10 तक। तो और बाकी ऑल द बेस्ट, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है मेरे गाइडेंस में, मैंने बताया है जितना भी, बहुत अच्छी बात है। टारगेट देखिए 80 प्लस ही रखना, उससे कम आना ही नहीं, 80 प्लस सही क्वेश्चंस बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद जो हमने रिस्क ले रहे हैं, चांसेस ले रहे हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन 80 प्लस हमने चांस रखना है, एकदम टारगेट रखना है, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, फिर काउंसलिंग के लिए आप बुलाया जाएगा और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर इस वीडियो को देख के कुछ भी आपको फ़ायदा हासिल हुआ है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ लाइक, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों का भला हो जाए, ठीक है। चाहे जैसे भी जिस भी सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए आप शेयर करना चाहें शेयर कीजिए, लेकिन मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचना चाहिए, क्योंकि 2 दिन बाकी है, 2 दिन में जो भी वीडियो देखेगा एटलीस्ट थोड़ा सा जरूर सीखेगा, इससे अमल करेगा और वो अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को महामना एजुकेशन हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे हम आपके करियर ओरिएंटेशन की बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आने वाले हैं, जो आपके ज़िंदगी के लिए बहुत ही अमूल साबित होगी, बहुत ही अच्छा और फ्रूटफुल लाभदायक होगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वन एंड ऑल द बेस्ट।